हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल टीच फॉर यू सो टूडे आई हैव टेन टेंसिस फॉर यू विच विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिली वॉट यू कैन से विद योर नेबर्स ओके सो लेट्स गेट बिगिन विथ मी सो ऑन द फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी अ ब्यूटिफुल पिक्चर ओके सो अभी आपको ये बोलना है जैसे आप किसी टूर के लिए या फिर ट्रिप के लिए या वैकेशन्स के लिए प्लान कर रहे हो एंड उस सेंटेंस को अभी आपको इंग्लिश में रिपीट करना है सो द सेंटेंस इज़ लाइक दैट आई विल मेक अ प्लान फॉर ट्रिप आई विल मेक अ प्लान फॉर ट्रिप सो हियर आई हैवंट यूज विल बिकॉज आई इल दिस इज अ ब्रीफ अब्रिवेशन ऑफ आई विल ओके सो यू कैन यूज़ यर आई आई विल अ प्लान फॉर ट्रिप और एल्स यू कैन यूज़ ऑल्सो आई विल मेक अ प्लान फॉर ट्रिप मैं ट्रिप के लिए प्लान बना रहा हूँ so on the second slide you are able to see the picture of ocean the beautiful picture of ocean so suppose आपने जो destination choose किया है आपके vacation आपके के लिए, आपकी tour के लिए, trip के लिए so that is a beach location और अभी आपको ये बोलना है कि मैंने choose कौन सा location किया है beach location so the sentence is like that I chose beach location I chose a beach location chose मतलब मैंने चुना मैंने कौन सा location चुना मैंने beach वाला location चुना so I chose the beach location so on the third slide you are able to see the picture of summer holidays okay and suppose आपने भी जो plan बना है वो uh, summer vacation का आपका plan है ठीक है so आपको ये बोलना है अभी कि मैंने मैं वहाँ पे summer vacations में जाऊँगा या जाऊँगी so the sentence is like that I will go there in summer I will go there in summer मैं वहाँ पे कब जाऊँगी in summer so summer मतलब जो छुट्टियाँ होती है हमारी summer vacations होता है तभी मैं वहाँ पे जाऊँगी

स्टे करने के लिए वहाँ पे क्या बुक करने वाले हैं एक रिसोर्ट बुक करने वाले हैं सो वी विल बुक रिसोर्ट फॉर आवर स्टे आई एम सो हैप्पी एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट आई एम सो हैप्पी एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट इट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ मैं खुश हूँ एंड उस पल का मतलब जिस पल में हम जाने वाले टूर के लिए वैकेशन्स के लिए उस पल का मैं इंतज़ार कर रही हूँ आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट ओके आई बॉट पेयर ऑफ स्लीपर्स कैप गॉगल एंड मोर आई बॉट पेयर ऑफ स्लीपर्स कैप गॉगल एंड मोर इट मीन्स मैंने स्लीपर्स कैप गॉगल एंड बहुत कुछ खरीदा ओके okay? मतलब अभी टूर पे जा रहे तो ऑब्वियसली आप कुछ स्टफ्स खरीदोगे कुछ चीज़ों को खरीदोगे सो so, यहाँ पे भी उसने सेम मेंशन किया है आई बॉट पेयर ऑफ स्लीपर्स कैप गॉगल एंड मोर वी विल डू बोटिंग देयर वी विल डू बोटिंग देयर इट मीन्स हम वहाँ पे बोटिंग करेंगे ओके okay. सो so, जैसे आप किसी टूर पे जाते हो तो आप कुछ एडवेंचर्स करते हो सो सिंपली द बोटिंग इज ऑल्सो एडवेंचर्स सो वी विल डू बोटिंग देयर वी विल डू बोटिंग देयर वी विल फोन एट बीच साइड वी विल फ़ोन ऐट बीच साइड इट मीन्स हम बीच साइड पर बहुत मज़े करेंगे सो वी विल फोन एट बीच साइड आई एम सो एक्साइट आई एम सो एक्साइटेड मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ बहुत ज़्यादा उतावली हूँ सो आई एम सो एक्साइटेड